नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत ओबरी ग्राम पंचायत में एक गर्भवती महिला कई दिनों से दर दर की ठोकरें खाती हुई। पीने के पानी के लिए जिला कलेक्टर सहित प्रशासन के हर नुमाइंदे को अर्जी लगाकर थक हार कर मीडिया से जनता को अपनी व्यथा सुना रही है कि कोई तो उसकी मदद करे। पानी के बदले आंखों में पानी लेकर जब स्वतंत्रता दिवस पर गर्भवती महिला की यह तस्वीरें दिखाई दे रही हैं तो प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्या प्रशासन एक महिला को पीने के पानी के लिए नल कनेक्शन देने में असमर्थ है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस पर जश्न मना रहा है और एक शिक्षक प्रताप यादव पिता गौतम लाल यादव के घर के सामने महिला पानी के लिए तरस रही है। मामला ओबरी ग्राम पंचायत का है, जहां पर पंचायत में गर्भवती महिला सोनू देवी बुनकर ने नल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। ग्राम पंचायत ने नल कनेक्शन आवेदन को स्वीकार कर स्वीकृति देते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया, लेकिन सोनू देवी बुनकर के घर के सामने आम सड़क के सामने शिक्षक प्रताप यादव का घर है। सड़क ग्राम पंचायत की आबादी जमीन पर बनी हुई है, बावजूद शिक्षक ने सोनू देवी बुनकर को नल कनेक्शन लेने से रोक दिया। अब सवाल यह उठता है कि सोनू देवी बुनकर गर्भवती है और बार बार ग्राम पंचायत से लेकर जिला कलेक्टर तक चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने सुनवाई नहीं की, आखिर क्यों? ये सीसी सड़क है और मेरा घर वो सामने दिख रहा है। यहाँ से ये रोड है, ये सीसी सड़क पूरी दबा रखी है उन्होंने। ये प्रताप यादव है, वो यहाँ से 2 फीट ही खोदना है तो हमको ये नल कनेक्शन लेने नहीं दे रहे। वो मना कर रहे कि नहीं दूंगा, यहाँ से मेरी जमीन है, यह तो मेरा रोड है, यूं करके ये सारा इतने 2 फीट ही खोद के अंदर नल जा रहा है मेरे घर के अंदर, तो वो लेने नहीं दे रहे, मना कर रहे। रोज शराबी के धमाल करते, गालियां बकते जैसे तैसे, और लेने नहीं दे रहे मेरे को। यहाँ से ये 2 फीट ही खोदना है मेरे को, तो वो लेने नहीं दे रहे। नहीं, यहाँ हमारे पुरानी ये जालिया है तो वो बंद कर दे तो मैं नल दूँ यहाँ से, यूँ कह रहे। बताइए सर, ये जो प्रकरण बता रहे हैं कि यहाँ पर ये नल कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आप इन्हें बाधा डाल रहे हैं इसमें, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर, ये जो पूरी विंग दिख रही है सामने वाली, उनके मकानों का कोई यह हक नहीं है। उनके मकानों का रुख पूरा पश्चिम की तरफ है, या जाली बारे दरवाज़ा कुछ भी नहीं है। ये ज़बरदस्ती इधर जाली दरवाज़ा रखने की कोशिश की है। ये जो अपन खड़े हैं वो मेरा निजी आंगन है, यहाँ लोगों के आने जाने की पगडंडी है जो मैं नहीं रोक रहा। यहाँ से पाइपलाइन भी जा रही है नल की, लेकिन ये यहाँ ही लूँगा, आपके आंगन में ही लूँगा, यूँ करके ज़बरदस्ती और किसी के द्वारा मिसगाइड करने पर हो रहा है। और उनके बस्ती में जो लाइन जा रही है, उन्हों दोनों के आमने सामने मकान हैं, उनकी लाइन वहाँ जा सकती है, और वो जो पुराना रास्ता है उन लोगों ने बंद कर रखा है और मेरे आंगन पे वो आने जाना करते हैं, इस तरह से ज़बरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, जैसा कि यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है जी, ये जो रास्ता जो जा रहा है बता रहे पगडंडी जी, हाँ, ये सरकारी है और यहाँ से इनका घर यहाँ पर है जी। और आप बता रहे हैं ये जो ऊपर की तरफ वेंट खुले हैं, ये आपकी तरफ इन्होंने खोल जी? हाँ, कचरा पानी डालते रहते हैं सर, गंदगी वगैरह डालते रहते हैं, कचरा वगैरह गंदगी डालते हैं जी। हाँ, तो अगर ये बंद कर दें तो आप इनको कनेक्शन लेने देंगे? बिल्कुल, वो पूरा आगे से दिख रहा है, पूरी लाइन बंद कर दें वैसे ही, तो मैं तैयार हूँ। नहीं पर सर, ये जो है ना सड़क तो सरकारी है। हाँ, सरकारी तो सरकारी है, यहाँ से तो अपन नहीं रोक सकते ना? नहीं, नहीं रोक सकता, लेकिन उन्होंने जाली बारी रखे हैं और ये पूरा कर देंगे यूँ करके रखा, अभी खुला रखा है जो मेरे ऊपर यहाँ कचरा डालते हैं जी। ये अगर बंद कर दे तो आप इन्हें लेने देंगे? ले दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आपका। लेकिन यहाँ मेरा नाम है प्रताप चंद्र यादव और यहाँ उनका कोई हक नहीं है, फिर भी चलो मैं लेने दे रहा हूँ। हक किसी का नहीं है सर, जी सर। सर, मैंने आंगन मेरा निजी था, मैंने खोल दिया, मेरे स्वामी ने खोला है, सबके जानने के लिए खोल दिया है, तो इसका मतलब मैं गुनहगार हो गया, ये होगा तो कोई बात नहीं गवर्नमेंट की। धन्यवाद सर, आपका शुभ नाम बताएं? मेरा मणिलाल नाम है साहब, पूर्व वार्ड पंचायत। हाँ, वार्ड पंचायत साहब। ये जो यहाँ का मामला अभी बना है जो नल कनेक्शन का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसका तो ये कहना चाहते हैं कि जो ये यहाँ हमारे बुनकर बस्ती से जो रोड जा रहा है, जोहरा पटली जा रहा है, वो रोड मतलब बिल्कुल इस मार साहब के आंगन होके मतलब जा रहा है, वो पूर्व से जा रहा है, आज नया नहीं जा रहा है। तो वहाँ पर नल भी लगा हुआ है, सरकारी नल है, वैसा कोई निजी नल नहीं है, और सरकारी दो बार मतलब पंचायत ने सीसी सड़क भी कर रखी है, इसके बावजूद ये मार साहब नल लेने से इनकार कर रहे हैं। अब नल लेने से इनकार में ये आ रहा है
कि वहाँ उस व्यक्ति का जो हमारे ये भाई साहब दौड़ रहे हैं उसका मात्र 2 फीट नल पाइप लगाने पर उसके घर में पानी आ जाता है। और ये मारसा कहें कि नहीं यहाँ तुम ना तो इस रोड पे चलोगे, रोड मारा निजी नहीं, नहीं, चल नहीं, ये सब परेशानी है, चलने के लिए मना नहीं कर रहे। नहीं अरे यार तो आप अभी कह रहे हैं, पहले तो हमें तो बोल दिया इन्होंने कि यहाँ कोई अगर निकलेगा तो लट लेके पग पग निकलेंगे। नहीं ऐसा अभी नहीं है, वो पहले बोले हैं, फिर भी हम तो सहन करके जाते हैं, बोले जे था वो था हम। इसलिए साहब हमारी रिक्वेस्ट सुन करके इस नल पे जाने की हमें सुविधा दी जाए, प्लस इस व्यक्ति को नल दिया जाए, ये हमारी इच्छा है बस। ना ना मारसा से हमारा कोई विरोध है, झगड़ा कोई निजी झगड़ा नहीं है, ये सार्वजनिक नल रोकने का इसका अधिकार नहीं है। नहीं आपका कोई आपसी विवाद कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं हमारा, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हाँ, पड़ोसी और होना भी नहीं चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ये जो जिस संबंध में अभी ये मैटर उठाया आपका, हाँ, तो इसका कोई निराकरण तो होना चाहिए ना। और निराकरण तो सब 2 फीट जगह वहाँ पाइप लगवा देने से ये रोक रहे हैं, तो आप बोल दो सब वो लगा दे नल, बस झगड़ा कहीं का। वो ये बता रहे हैं कि पीछे की साइड में जो दो जाली लगा रखी है उसको बंद कर दिया जाए। वो इनके इतराज में क्या हो रहा है भाई, ये तो जहाँ पर आप पूरे बाजार में मकान देख सकते हो, तो उस पूरे मकान में हर मकान का रोड पे दरवाजा होगा, जाली होगी, उनके तो मात्र वहाँ दरवाजा है नहीं, मात्र हवा रोशन के लिए इन्होंने एक जाली रख रखी है, वो मतलब क्यों बंद कर दें? कचरा फेंकते हैं बता रहे हो। अरे क्यों कचरा फेंकते होंगे, आपका खुद का इतना मिट्टी डाल रखी है वहाँ तो कचरा नहीं, इनका एक शिफ्टी कचरा डाल देते होंगे। आप खुद देख सकते हैं साहब, आप अधिकारी हैं, आप राज के बड़े चलाने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं अब हमारा कितना 2 फीट है, आप माप सकते हो, 2 फीट का खाली पाइप लेना है उसको, ना तो वहाँ खोदना है, वो पाइप भी बिल्कुल जगह में रहेगा, इनको कोई नुकसान करता नहीं है, फिर क्यों परेशान कर रहे हैं? हमारा व्यक्तिगत कोई झगड़े से नहीं, न्याय की बात है, इसलिए कृपया करके आप सरकार से रिक्वेस्ट है उस व्यक्ति को 2 फीट नल फिटिंग करवा के इनको रोड पे जाने की सुविधा दी जाए, प्लस नल दिया जाए, मारसान हमारा कोई झगड़ा नहीं है। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।